सर, आज जो राकेश टिकैत जी के ऊपर जो पथराव हुआ है, या फिर यूं कहे उनको जान से मारने का कोशिश किया गया है, हो सकता है पथराव से ही जान से मारने की कोशिश किया होगा, कुछ जो भी है, ये आप लोग किस तरह से देखते हैं? जय हिंद, मैं मणिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड BSF बनारस से। ये टिकैत साहब पर जो हमला हुआ है, टिकैत साहब पे नहीं, पूरे किसानों, मजदूरों, छात्रों, शोषितों, वंचितों पर हमला हुआ है। और जिस ओर जवानी चलती है, उस ओर जमाना चलता है। हम फूल भी हुए हैं, खुशबू समंदर भी हुए हैं, आज जब दुनिया ने सताया तो पत्थर भी हुए हैं। हमने पत्थरों को पूजा है, हमने नदियों को पूजा है, आज जरूरत पड़ी तो कंस जैसे राक्षसों, रावण जैसे राक्षसों का वध भी किया है। तो आज भारतीय लोकतंत्र यहाँ खड़ा हुआ है और ये किसी को छोड़ेगा नहीं। अगर हमें छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जिस तरह से संविधान के पन्ने फाड़े जा रहे हैं, जिस तरह कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है, निश्चित रूप से ये जनता कभी नहीं माफ करेगी और इसका खामियाजा इस सरकार को भुगतना ही होगा। आज जो राकेश टिकैत जी के साथ हुआ है, तो आप लोग किस तरह से देखते हो सर? देखिए, ये सत्ता और घमंड में चूर केंद्र में बैठी BJP सरकार, ये जो समझ रही है कि इस देश में लोकतंत्र की हत्या कर देगी, और ये जो हमला हुआ है राकेश टिकैत जी पर, ये टिकैत जी पर हमला नहीं हुआ है, ये हिंदुस्तान के समूचे किसान पर हुआ है। और ये बात आप समझ लीजिए, जो भी सत्ता में बैठे हुए लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, यहाँ कोई खेल नहीं चल रहा है। जब टिकैत जी के आंसुओं पर इस गाजीपुर बॉर्डर पे और तमाम दिल्ली के बॉर्डरों पे जब जन सैलाब आ सकता है, तो एक बात हम बता देना चाहते हैं कि अगर कहीं भी उन्हें खरोच आई और अगर खून उनका निकला, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा क्रांति आ जाएगी। मैं बार बार, मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं केंद्र में बैठी हुई सत्ता के नशे में चूर इस लोकतंत्र की हत्यारी सरकार को चेता रहा हूँ, चेतावनी दे रहा हूँ। हम अहिंसक हैं, हम हिंसा में भरोसा नहीं रखते हैं, तो इसे हमारी कमजोरी नहीं समझें। कभी भी किसान को कम में आके नहीं। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में हम हर डिस्ट्रिक्ट, हर ज़िले देशव्यापी आंदोलन को और तेज़ करेंगे और इस घमंड में चूर इस सरकार का बहिष्कार करेंगे और 24 में उसे उखाड़ फेंकेंगे। जी धन्यवाद, थैंक यू। जी मैडम, ये लड़ाई राक्षसों की और इंसानियत की है। और ऐसा क्यों कह रहे हैं, राक्षसों की है और इंसान, मतलब RSS है, RSS का मतलब ही राक्षस समाज संगठन है, RSS का मतलब ही राक्षस समाज संगठन है, जिमने करके अच्छा, RSS का मतलब है राक्षस समाज संगठन। ये आपने तो पूरा अर्थ ही चेंज कर दिया RSS का। मैंने अर्थ को ठीक किया है, चेंज नहीं किया, ठीक किया है। और मोदी का मतलब है, मोदी किस लिए बैठा है, मैन ऑफ डिवाइडिंग इंडियंस। ये हमारा विचारों का देश है। आप घूमिए इधर, अब मैं धर्म पे आता हूँ। एक सेकंड, ये 24 की लड़ाई है, ये 24 की लड़ाई है, और 24 तो आप जानते नहीं होंगे और सभी समझते हैं, 24 की लड़ाई है ये। 24 में ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अब मैं भी हिंदू, मैं भी हिंदी लिखता हूँ, मैं जाट हूँ। आप कहाँ से हो? मैं बागपत से हूँ। और बागपत के लोग इंटेलिजेंट होते हैं दूसरे लोगों से। वन मिनट सर, मैडम प्लीज, वन सेकंड, आई कम टू यू बैक। हाँ जी, आज जो राकेश टिकैत जी के ऊपर जो हमला हुआ है, ये एक तरफ से देखा जाता है तो जानलेवा हमला है, या कुछ प्लानिंग हुआ है, क्या है? आप किसान भाई लोग जो यहाँ पर हैं, आप, मैं सबके चेहरे पे देख रही हूँ, एक मायूसी सी छाया हुआ है। देखिए, ये जो राकेश टिकैत जी पर जो हमला किया है, ये महानिंदनीय है, और ये BJP की सोची समझी साजिश से हो रहे हैं सब काम। ये घबराई हुई है, दहशत में है, अगर ऐसे हमले करेगी तो ये जो समझिए, ये और रसातल के चली जाएगी नीचे के। क्यों कि राकेश टिकैत एक किसानों की ही लड़ाई नहीं लड़ रहे, वो गरीब, शोषित, वंचित, जो दबे कुचले आदमी हैं, जिनकी कहीं आवाज नहीं सुनी जाती, उनकी आवाज को राकेश टिकैत उठा रहे हैं और इस देश को एक नई दिशा देने के लिए राकेश टिकैत और हमारे जो 40
मैं सबका जो सिपाही क्या जी सिपेशालार हैं उनके लिए मैं धन्यवाद देता हूं, जो इस देश को एक नई बुलंदियों पर ले जाएंगे और इनसे कोई नहीं घबराएगा। ये कितने को मारेंगे, हम उनकी औलाद हैं। जब हमारे ही पूर्वज बादशाही राज में उसने कहा था, बादशाह ने उसने कह दिया था, हमारे वो थे उनकी भाई, हमारे यहाँ तो कुत्तों कुत्ते हैं, तुम इसको शेर कहते हैं, ये हमारे यहाँ तो कुत्तों बच्चे से बच्चे खेले करते हैं शेरों से। तो उसने कहा, अरे तुम कौन क्या कह रहे हो, अपने लड़के को लाया और वो कटारी लेकर आया। उसने कहा, बेटे शेर निहत्ता है, कटारी फेंक दीजिए। तो उसने कटारी को फेंक दिया और शेर से गुत गया, निहत्ता और शेर को फाड़ के पटक दिया। ये वही किसानों का खून है। अब भी मोदी सरकार और ये अमित शाह जो गुंडागिर्दी कर रहा है, समझ जाए, इसे बंद कर दे। किसान शांति प्रिय धरना दे रहा है और अपनी मांगों के लिए आया है। उसकी मांग है एमएसपी की गारंटी, और उसके बदले में इसने तीन काले कानून और किसानों पर, क्या देश को तबाह करना चाहती है सरकार? अरे आरएसएस, अब ये भी कश्मीर है, कश्मीर में तो बेचारे उनके हाथ लग दे रहता था पत्थर फेंक रहे, यहाँ पत्थर किसने फेंका? आरएसएस वो पकड़े और गए हैं गुंडे, चार पकड़े गए हैं। ये राज कर रहे हैं या गुंडागिर्दी, या बिल्कुल संविधान को फाड़ कर फेंक दो या तो जला दो, कैसे देश जल जाने देगा? ये किसानों की ताकत से देश डटा हुआ है। किसान ही जवान है और किसान ही किसान है। किसान देश की शान है, किसान देश का ईमान है, किसान देश का अपमान और गौरव है। किसान बिन तो ये देश पहले जैसे कटोरा मांग कर लाता था नहीं, वो हालत हो जाएगी। अगर किसान मर गया इस देश का, ये किसान को मारना चाहते हैं, पर किसान के बाजुओं में वो ताकत है, ये कितना भी जोर लगा ले किसान यहाँ से डिगने वाला नहीं। इनकी गोली कम पड़ जाएंगी पर किसानों का सीना कम नहीं पड़ेगा। आपने सुना इनकी आवाज, मैं आगे कुछ नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि जो भी मुझे कहना था इन्होंने कह दिया है। बड़े बुजुर्ग थे यहाँ पर। सर आपका उम्र क्या है? मेरी उम्र बेटी 73 साल की हो गई, 74 में लग गया हूँ, और किशन नंबरदार मथुरा का रहने वाला हूँ, कोसी कला के पास है, तहसील छाता का रहने। मैंने 16 साल की उम्र से हल जोता है और अब भी मैं बस 60 किलो वजन रख दो और 1.5 कोस बजा कर ना पटकू तो उसे। आपने इनका उम्र भी सुन लिया सारा कुछ, और ये भी कहा कि राकेश टिकैत जो है वो बहुत ही नेक इंसान है इनके, और ये कह रहे हैं कि किसान के लिए, वो किसानों का हक के लिए। भगवान का रूप है वो, वो दूसरा भगवान का रूप है वो। ओहो, ये कह रहे हैं कि दूसरा भगवान का रूप है राकेश टिकैत जी, दूसरा भगवान का रूप है, किसान का भगवान है। कैमरा सपोर्ट जाना मेरा, कोई इंडिविजुअल नहीं है, इनका पसीना पड़ रहा, खून बहाने के लिए तैयार है। हमने 1965। हाँ जी, आप कहाँ से हो? हम ब्रज मथुरा से हैं। हाँ जी, चौधरी गुलवीर सिंह नाम है। ब्रज में से चल के आए किसानों के सहयोग के लिए। किसानों पे जो अत्याचार इन लोगों ने शुरू किया है, राजनेताओं ने, 26 जनवरी को हमारे इतने किसान इन्होंने जेल में बंद किए, वो 40 दिन में निर्दोष किसानों को 40 दिन में छोड़ा गया। आज हमारे भाई जो अगुवाई कर रहे हैं हमारे धरने की, राकेश टिकैत जी, वो एक आत्मा उनकी इतनी प्रबल है, वो आत्म शक्तिशाली है, उनके ऊपर इतना बड़ा आत्मघाती हमला इस सरकार ने किया। वहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी और ये बीजेपी के लोग, इतना बड़ा हल्ला उन पर, आत्मघाती जानलेवा का हमला किया गया। ये परमात्मा हमारे साथ नहीं होता तो आज शायद हमारे भाई इतने बड़े घास से बचे हैं। ये सब किसानों की आत्मा की आवाज़ है। अगर किसानों की इतनी बड़ी आत्मा की आवाज़ नहीं होती तो हमारे भाई के क्या हो जाता, ये समय की किसी को नहीं पता है। हमारे कितने किसान इस धरने की बलि चढ़ चुके, आज तक सरकार के काम से, आज तक सरकार के मुंह से ये नहीं निकला कि किसान कितने शहीद हो चुके,
उनके लिए श्रद्धांजलि देने के लिए उनके मुखारविंद से एक शब्द निकला। आज तक इन किसानों को इतना कष्ट, मच्छरों पर खपते हैं, कष्ट पाते हैं। आज तक जो नेता बनाए, अंधे नगरी, चौपट राजा, टका सिर भाजी और टका सिर खाजा, ये इनकी नीति रही। आज तक ऐसा प्रधानमंत्री इस देश में नहीं बना। फर्स्ट नंबर झूठा, इतना झूठ, किसानों पर इतना बड़ा अत्याचार, इतना बड़ा जुर्म। जब किसान अपने अधिकार के लिए घर छोड़ के यहाँ होली का त्यौहार मनाया, तो किसानों ने अपने अधिकार के लिए मनाया। यहाँ 26 जनवरी मनाई तो अपने अधिकार के लिए मनाई। नव वर्ष की शुरुआत की तो यहाँ अपने सम्मान के लिए की। आज किसानों को चाहे कितनी भी बड़ी जंग लड़नी पड़े, पर अपना अधिकार किसान लेके रहेगा। किसान की जाति का गठन 2021 में हुआ है। पहले किसान की आवाज़ को कुचला गया, दबाया गया। 21 में इतनी बड़ी आवाज़ किसान की बन चुकी है, जो किसान की बात करेगा वो दिल्ली पर राज करेगा। वरना हम दिल्ली में उसको किसी भी प्रकार से, दिल्ली हमारी है। ये आपने देखा होगा कि गुरु नानक जी ने ये लाल किला बनवाया। गुरु नानक जी ने उन पर धर्म परिवर्तन करने के लिए 2 महीने के बेटे का मांस परोसा गया, पर उन्होंने उस मांस को भी स्वीकार नहीं किया और लाल किला इन्होंने बनवाया। आज आंदोलन की अगुवाई करने वाले हमारे सरदार भाई, इस आंदोलन को दशा देने वाले, 9 अक्टूबर को पीपली में जो अत्याचार हुआ और इन्होंने कहा था, अरे अत्याचारियों, अरे जुर्मियों, हम पे अत्याचार मत करो, नहीं दिल्ली घेर लेंगे। इन्होंने अल्टीमेटम दिया था और जब चल के दिल्ली आ गए, इन्होंने अत्याचार शुरू कर दिए। आज अत्याचार इतना सीमा पे बढ़ चुका है लोगों का कि आप पत्थर हम पे फेंके जा रहे, गोली हम पे दागी जा रही और जबरन हमसे किया जा रहा। हमारा अधिकार है, किसान इस भारत का धरती पुत्र है और इस भारत को इसीलिए भारत कहा जाता है, इसमें किसान ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है। किसानों के लिए कितना बड़ा गुरु नानक जी ने किया, जमीन का अधिकार उन्होंने दिलाया। दूसरे नंबर पर हमारे चौधरी चरण सिंह महामानव थे, पटवारियों को हटा के उन्होंने अधिकार दिलाया। हमारे किसान मसीहा जितने हुए, सर छोटू राम किसान मसीहा हुए, उन्होंने भी हमको अपना अधिकार दिलाया। जिन किसानों को जागृति होती है, सरकार पहले से ही 72 साल से जितनी सरकार बनी, किसान को कुछ लेकर काम किया। कोई भी राजनेता किसान की सपोर्ट में नहीं रहता, ये राजनेता अपनी रोटी सेकने के चक्कर में रहते हैं और ये रोटी सेकते हैं, जब कुर्सी हथिया लेते हैं। इनके झूठे वायदे, इतने वायदे कि किसान की दूनी आए। हम स्वामीनाथन रिपोर्ट के लिए बैठे हैं और लेके जाएंगे। जब तक स्वामीनाथन रिपोर्ट नहीं लगेगी, तब तक हम मैदान नहीं छोड़ेंगे। दिल्ली से वापस तबे होंगे तब हमारी किसान रिपोर्ट लग जाएगी और हमारे तीनों काले कानून वापस हो जाएंगे। MSP पे हमें जितना हमारा अधिकार है वो सब मिल जाएगा। तब तक हम कोई भी अपना स्टेप नहीं उठाएंगे। हमारे संगठन सभी, पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे 600 संगठन एकजुट हैं, एक मंच पे हैं, एक आवाज़ है। कुआ कबरा अनेक हैं, पनहारी अनेक और घाघर सब पे अलग अलग हैं, पानी सब में एक। पहली बार ऐसा हुआ है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। आज जो गोली चली राकेश टिकैत जी के ऊपर, ये उसके ऊपर आप क्या कह सकते हैं, क्यों ऐसा हुआ है? नहीं, गोली नहीं चली है, पथराव भी हुआ है। पथराव हुआ, गोली नहीं चली। अच्छा, तो लोग कह रहे हैं कि गोली चली है, सारा कुछ। मैं कंफर्म कर रहा हूं आपको, गोली नहीं चली है, पथराव हुआ है और रोकने का प्रयास किया गया है। क्यों 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 रोकने का प्रयास किया है? अब ये तो सरकार बताए कि हमारे राकेश टिकैत जी को क्यों रोकने का प्रयास कर रही है। ऐसा कौन सा काम टिकैत साहब कर रहे हैं जो सरकार को इस तरह के घिनौने कदम उठाना पड़ रहे हैं? ये कदम बेहद निंदनीय है और बहुत ही ज़्यादा कायरतापूर्ण है। कम से कम सरकार के जो संगठन हैं उनसे इस तरह के कदम की हम अपेक्षा नहीं करते थे। फिर भी हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। इससे हमारा आंदोलन और मजबूत होगा, हमारे गांव में, घरों में, खेतों में काम करने वाला किसान, उसका कमिटमेंट और मजबूत होगा और बड़ी संख्या में निकल करके आंदोलन में भागीदारी करेगा और इससे आंदोलन मजबूत होगा। अभी तो गेहूं का कटाई चल रही है, तो
आना जाना लगा रहा है ये मान सम्मान का विषय है, और जब मान सम्मान की बात आ जाती है तो काम महत्वपूर्ण नहीं होता। आज की घटना के बाद काम हमारा सेकेंडरी हो गया है, मान सम्मान हमारा पहला विषय है, हम पहले इसको देखेंगे। अच्छा, ये जो पथराव हुआ है आज, ये किसने किया हुआ है, आपका क्या किसके ऊपर शंका जा रही है? जो आप लोगों के द्वारा, मीडिया के द्वारा जो पता चला है, वहाँ कोई एबीवीपी का कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, उसके द्वारा ये घिनौना काम किया गया है, और ये कायरतापूर्ण काम सरकार ही करेगी और कौन करेगा? आपको पक्का एश्योरेंस है कि सरकार की तरफ से ही हुआ है? मेरे पक्का होने से नहीं है, सबूत उस घटना के चीख चीख करके बोल रहे हैं कि सच्चाई क्या है, और जो सच्चाई थी वो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, तो अगर आज जो हादसा हुआ है तो राकेश टिकैत जी के लिए एक्स वाई जेड यानी वाई जेड का सिक्योरिटी आप मांग करेंगे सरकार से? मांग नहीं, सरकार को देना ही पड़ेगी, हमारे नेता की सुरक्षा सरकार को करना पड़ेगी, और नहीं तो अगर अगला कदम कोई इस तरह का उठा तो इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। लेकिन अभी जो देखिए, मैं काफ़ी टाइम से निकली हूँ यहाँ पहुँचने के लिए, बॉर्डर पर मैं पूरा घूम कर आ रही हूँ, क्योंकि ये जो रास्ता है यहाँ आने का रास्ता, इन्होंने बैरिकेड्स तो कहते हैं खोल दिया है, लेकिन बैरिकेड्स खुला नहीं है, बीच में सीमेंट का दीवार लगा दिया है, और आगे जो बैरिकेड्स है 5 रेलिंग्स लगा दिया है सारा कुछ। तो मुझे पूरा घूम कर आना है, कम से कम मुझे 1.5-2 घंटा लगा इधर पहुंचने के लिए। आंदोलन में आने वाला रास्ता कोई अगर प्रशासन रोकेगा तो ये हम उनको करने नहीं देंगे, आंदोलन के रास्ते सरकार को साफ रखना पड़ेंगे, इस तरह का कोई काम नहीं होने देंगे। यहाँ तो सीमेंट का बैरिकेड्स लगा दिया पूरा, हमें ये मतलब नहीं है कि बैरिकेड सीमेंट का है या लोहे का है, किसी प्रकार का कोई बैरिकेड आंदोलन स्थल पर आने वाले रास्ते में नहीं होगा। अच्छा, तो अभी जो आज राकेश टिकैत जी के ऊपर जो हमला हुआ है, तो ये कैसा एक सारे किसान देखते हैं? सारे किसान इसको बेहद कायरतापूर्ण कार्रवाई के रूप में देख रहे हैं। किसानों को पता है कि उनके नेता कितने बड़े दिल के हैं, इतनी बड़ी घटना के बावजूद भी उन्होंने मुझे फ़ोन करके निर्देशित किया था कि शांति बनाए रखें और सारे धरने सारे जाम खुलवा दिए जाएँ, किसी प्रकार की चिंता करने की विषय नहीं है, आंदोलन मजबूती से चलाएं और इससे आंदोलन और मजबूत होगा। मेरे नेता का बड़ा दिल है और उन्होंने बड़े दिल दिखाते हुए पूरे घटनाक्रम को रोक दिया। अच्छा, अभी आज जो हुआ है, कल वो जा रहे गुजरात, कल परसों सारा कुछ गुजरात जा रहे, महापंचायत जो होने वाला है, तो वहाँ पर ऐसा कुछ घटना घटती है तो फिर क्या आगे सिक्योरिटी के ऊपर? हम ऐसी किसी भी घटना का सामना करने के लिए पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं और कल भी तैयार रहेंगे। गुजरात भी जाएंगे और जहाँ जहाँ कार्यक्रम लगे हैं वहाँ जाएंगे, पूरे मुस्तैदी के साथ जाएंगे, पूरे मनोबल के साथ जाएंगे, कोई चिंता का विषय हमें नहीं, हमारे कार्यक्रम यथावत जारी रहेंगे। अभी आपने जड़ौन जी का आवाज़ सुने थे, उन्होंने जिस तरह से कहा कि राकेश टिकैत जी के ऊपर गोली नहीं पथराव हुआ है और वो उनको कुछ हुआ नहीं है, और पूरा उन्होंने कहा आंदोलन जारी रखने के लिए और शांतिपूर्वक आंदोलन करने के लिए। अभी हम बाबा जी खड़े हैं, बाबा जी से भी पूछ लेते हैं दो बातें। गुरु है, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हाँ जी, आज जो हो गया है राकेश टिकैत जी के ऊपर हमला, ये आप किस तरह से देखते हैं? हम इसको देखते हैं कि सरकार जो है बिल्कुल डरी हुई है किसानों से, इसलिए हमले करवा रही है, और क्या, ये कम से कम इसको ये देखना चाहिए कि भाई किसान जो है डरने वाला तो है नहीं, चाहे कुछ भी कर लें ये लोग, तो रात दिन ये जो डटे हुए हैं किसान यहाँ पर और हर प्रदेश में जहाँ जहाँ महापंचायतें हो रही हैं, अब इसको सरकार को डर लग रहा है किसानों से, इसलिए हमले करवा रही है। ऐसा क्या डर है किसानों से सर, आप बताएंगे? अब ये तो सरकार बताएगी कि जिन्होंने उनको बनाया है उन्हीं से आज भयभीत हैं। व्यक्ति के कर्म निर्धारित करते हैं कि उसका आचरण कैसा होगा, इनके कर्म शायद इतने ख़राब हो चुके हैं कि अपने बनाने वालों से ही ये भयभीत हो गए, यानी ये कह दें कि जो इनको बनाएगा उनके प्रति इनके कारनामे इतने निंदनीय और घृणित रहेंगे कि उनका सामना करने से इनको जो भय लगेगा, और भय का ही कारण है जो इस तरह की कायरतापूर्ण घटनाएं ये कर रहे हैं।
कहते हैं ना, जब इंसान बौखलाया जाता है तो डावाडोल हो जाता है, ऐसा कुछ लग तो ऐसे ही रहा है। हाँ जी बोलिए। आप तो सीता हैं, आप कहाँ से पैदा हुई, घड़े से पैदा हुई या माँ की कोख से पैदा हुई, ऐसा क्यों बोल रहे माँ? अरे आप भी नहीं, आप भी एक माँ के ही कोख से पैदा हुआ है। मैं तो बोलता हूँ माँ की कोख से पैदा हुआ, पर घड़े से कोई इंसान पैदा होता है? वही खत्म है। जुआ खेलने वाला इंसान अच्छा होता है बुरा होता है? आप तो लेडी हैं, बताइए आपका हस्बैंड अगर जुआ खेलेगा वो अच्छा है या बुरा है? और जुए में आपको हरा दांव पे लगा दे वो धर्मात्मा कैसा है वो बता दीजिए। वो तो पिछला इतिहास था। पिछले को छोड़ दीजिए, आगे तो बढ़िए, इंसानियत का रूप तो अपनाइए। ये किसान है, भारत की शान है, किसान भारत की शान है, वही जवान देता है और वही खाने को देता है।